ये रात में 7:15 के बीच में एक इन्फॉर्मेशन आया, 7:30 साढ़े 8 के बीच में एक इन्फॉर्मेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा मुझे दिया गया है कि नांगल और टपरी के बीच में जो रेलवे लाइन है उसमें किसी शरारती तत्व ने एक जो बाउंड्री बनाने के लिए जो सीमेंट पिलर्स होते हैं उसको लेके रेलवे ट्रैक पे डाल दिए हैं, जिसको लेके उत्कल एक्सप्रेस जब क्रॉस हुआ था तो वो रेलवे जो ट्रैक के ऊपर जो बाउंड्री पिलर्स रखा गया उससे टकराए गए और वो आगे पार करके चला गया। इससे थोड़ा सा ट्रैक पे नुकसान हुआ है। तत्काल हम लोग जीआरपी को भी इन्फॉर्म किए हैं और लोकल इंस्पेक्टर नांगल को, सीओ देवबंद और एडिशनल एसपी रूरल सहारनपुर, ये सब लोग मौके पर पहुंचे हैं। मैं स्वयं मौके पर पहुंचा हूं, जांच किया गया है। वहां पे अभी बाउंड्री लगाने की जो तार खींच के बाउंड्री लगाने की काम चल रहा है, जिसमें सीमेंट पिलर्स जो बाउंड्री पिलर के रूप में यूज़ किया जाता है वो वहाँ काफ़ी मात्रा में रेलवे ट्रैक के किनारे रखा गया है। 6:15 और 7 के बीच में कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ पे वो सीमेंट पिलर्स को उठा के ट्रैक पे डाल के वहाँ से भाग गए हैं। हालांकि हम लोगों ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जल्दी से जल्दी इसमें गिरफ्तार होंगे। इसमें FIR रजिस्टर कर लिया गया है, रेलवे एक्ट के तहत FIR रजिस्टर्ड है। गंभीर रूप से हम लोग इसको जाँच कर रहे हैं।